नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ में प्रदीप योगी दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले की दिन की तमाम खबरें। प्रदेश में विद्या संबल सहायक आचार्यों का राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के मुख्य द्वार पर लगातार विगत 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर वर्षा व्यास, रामावतार मीणा ने भी राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी के मेन गेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर 2 दिवसीय शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया। अतः राजस्थान सरकार से निवेदन किया कि हमारी 3 सूत्री मांगे, जिनमें प्रमुख प्रथम मांग है कि भविष्य को सुनिश्चित करने व रोजगार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक विशेष कैडर बनाए जाने की आवश्यकता है। दूसरी मांग, सहायक आचार्यों को UGC एक्ट 2018 के नियमों की पालना करते हुए नियमानुसार मासिक आधार पर वार्षिक वेतन प्रदान किए जाए। तीसरी मांग, RPSC चयनित से प्रभावित हुए साथियों को अन्यत्र निकट महाविद्यालय में समायोजित किया जाए आदि प्रमुख मांगों को शीघ्र पूरा कर राजस्थान के शिक्षित व योग्य युवाओं को संबल प्रदान किया जाए। अगर जिस तरह से धरना दिया जा रहा है तो बिरला कॉलेज में कुछ विद्या संबल जो पॉलिसी है वो लगातार जारी है, उसमें से आज जो है बहिष्कार कर रखा है क्लास का, आखिर क्या मामला है पूरा? सर, राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ी ही उत्कृष्ट और ग्रामीण कॉलेज शिक्षा विभाग में लागू की गई, जो विगत 1.5 साल से बड़ी सुचारू से लागू हो रही है, लेकिन लगातार किसी कारण से RPSC से नियुक्ति होने के कारण हमारे किन्हीं साथियों को आउट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है और उनको पुनर्समायोजित करने की अभी तक कोई योजना बनी नहीं है। इस संबंध को लेकर मेरे विद्या संबल साथी पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर पिछले 8 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आयुक्तालय से और सरकार से हमारी 3 सूत्री मांगों को लेकर के वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठे हैं। इसी संबंध में राजकीय बिरला महाविद्यालय से हम सभी विद्या संबल सहायक आचार्यों ने 2 दिवसीय 3 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक कक्षा शिक्षण न करने का हमने बहिष्कार किया है। अतः हमारी मांग पूरी हो, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, इसीलिए हमने स्वैच्छिक शैक्षणिक कार्य न करने का बहिष्कार सभी विद्या संबल सहायक आचार्यों ने किया है। लगातार जैसे आपने बताया कि एक एक करके सरकार जो है वो उनको रिक्त से हटा रही है, पद से हटा रही है, आखिर इसलिए हटा रही है कि जहाँ महाविद्यालय में किसी सब्जेक्ट में एक पोस्ट है तो RPSC से अगर कोई भी व्यक्ति चयनित होकर के यहाँ आता है तो एक योग्य विद्या संबल सहायक आचार्य उसे कार्यमुक्त कर दिया जाता है। इसमें उसके भविष्य का, उसके रोजगार का, उसके परिवार पर आर्थिक संकट का बड़ा संकट आ रहा है, इसमें सभी संदेह में आ रहे हैं और सभी आघात हैं। कल संस्कृत की एक लिस्ट आई है, मैं दीपक राठौर संस्कृत के कोटा से यहाँ आते हैं, आज यहाँ रह रहे हैं। जैसे ही कोई संस्कृत का विद्वान आरपी चेन पर यहाँ आएगा तो मेरे विद्वान साथी को तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो सरकार से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का समायोजन करें कि कहीं भी आउट करें तो इन्हें कहीं न कहीं समायोजन करें ताकि राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य बड़ा सुचारू रूप से लागू हो। बिरला कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी। आज बाहर क्यों बैठे हो सभी? आज हमारे जो विद्या संबल के टीचर हैं उनका हमेशा मतलब ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं, टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी मतलब ऐसे टीचर चले जाएंगे फिर हमें पढ़ाएगा कौन, और अभी भी सर फिर पढ़ाएंगे नहीं। ये विद्या संबल में जो टीचर लग रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये तो राजस्थान से ही पूरा चल रहा है, इनका धरना प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है तो यहाँ भी क्या विद्या संबल का ट्रांसफर हुए क्या? हाँ, जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं विद्या संबल वाले उनका सबका मतलब हो गया ट्रांसफर जो भी है। इसलिए तो तुम क्लास में नहीं बैठे हो? नहीं, पढ़ाने वाले नहीं है? नहीं। तुम्हारा क्या नाम? मेरा कौन से क्लास में? BA सेकंड ईयर। अच्छा, बाहर क्यों बैठे हो? सब जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो अंदर ही नहीं आ रहे थे, उन्हें यहाँ से ये कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं फिर तो नहीं खा रहे हैं। ठीक है, हमें दूसरा चाहिए, हमें वही चाहिए। तो सरकार की नीति होती बेटा, ये तो वह कैसे सर, हमें सही पढ़ना है और अच्छा पढ़ाते हैं। हमें जो लेकर आए ना वो रोमन जो टीचर उनको भी पहुंचा रहे हैं। अभी हमारी क्लासें लग रही है, हमारे 3-4 महीने होंगे कॉलेज में आते हुए, हमारे 2 क्लासें लगती है वो भी ये पढ़ाते हैं, उनको भी हटा देंगे तो हमें कौन पढ़ाएगा? ऐसे में यहाँ भी जो है जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो क्लास में नहीं बैठ रही, वो कह रही है कि जो विद्या संबल वाले टीचर हैं उनको हटा दिया गया है जिससे हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, किस तरह का सर मामला है? बोलिए लोकेश जी, इसमें मैटर ये है कि विद्या संबल योजना महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों पर विद्या संबल में अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया जाता है जी। विद्या संबल योजना में अध्यापन कार्य तभी तक करवाते हैं जब तक कि RPSC से परमानेंट व्यक्ति नहीं आता है जी। या पद रिक्त है, पद भरने के बाद
आरपीएससी वाला जब परमानेंट व्यक्ति आ जाता है और पद भर जाता है तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से विद्या संबल योजना में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं शिक्षकों को अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। विद्या संबल योजना राज्य सरकार की और इस योजना में यही प्रावधान है कि जब तक आरपीएससी से व्यक्ति नहीं आए पद रिक्त हो तब तक विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य करवाया जाए और पद भरने के बाद आरपीएससी परमानेंट आदमी से विद्या संबल योजना में कार्य कर रहे अध्यापन कार्य करवा रहे शिक्षकों को अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया जाए जी। और ये योजना इस योजना में जो अध्यापन कार्य करने वाले हैं वो भी शपथ पत्र देते हैं कि हम आरपीएससी से व्यक्ति आने तक हमें रखा जाए या आरपीएससी से व्यक्ति महाविद्यालय में आने के बाद या रिक्त पद समाप्त होने के बाद हमें हटा दिया जाए। कितनी फैकल्टी है सर टोटल यहाँ विद्या संबल? विद्या संबल में पिछले सत्र से ये प्रारंभ हुई है, पिछले सत्र में यहाँ पर 7 शिक्षक विद्या संबल योजना में अध्यापन कार्य करवा रहे थे जी। और इस सत्र में प्रारंभ में जो रिक्त पद थे उन पर हमने 9 विद्या संबल शिक्षकों को विद्या संबल योजना में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया था और उनमें से इतिहास विषय में आरपीएससी से सहायक आचार्य के नियुक्ति के बाद पद रिक्त नहीं रहा इसलिए इतिहास विषय में कार्य कर रहे विद्या संबल शिक्षक को अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद प्राणी शास्त्र में भी आरपीएससी से सहायक आचार्य के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पद भर गया और वो पद प्राणीशास्त्र विषय में भी रिक्त नहीं रहा तो प्राणीशास्त्र विषय में जो शिक्षक विद्या संबल योजना में अध्यापन कार्य करवा रहे थे उनको अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया गया। तो जिम्मेदारी की बात करें बिरला कॉलेज के प्राचार्य भी हैं और अभी चौमेला का चार्ज भी आपको मिला है तो जिम्मेदारी कैसे सर चौमेला भी देखें? हाँ चौमेला का ही वर्क कर रहा था मैं, अभी चौमेला से आए हुए हैं जी। वही वहाँ के वर्क से संबंधित जो प्रपत्र हैं उन्हीं की मैं स्टडी कर रहा था ताकि वहाँ के कार्य को मैं संपादित कर सकूँ। पिराओं में आज भाजपा के पार्षदों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिरावा नगर के अंदर मछली बाजार लगा हुआ है, इसी मार्ग से होकर मंदिरों में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों ने काफी समय पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर रखे हैं परंतु योजना की क्रियान्वित की गति धीमी होने से लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। पार्षदों ने नगर के अंदर मछली बाजार हटवाने व पीएम आवास योजना का शीघ्र लाभ दिलवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पार्षद भारत भूषण प्रेमी सुधीर जैन, पीरू माली, लखन पवार, अंकिता रावल, पवन रावल आदि मौजूद रहे। ग्राम मंडावर में संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हुआ जो कि 3 जनवरी 2023 को समापन हुआ, जिसमें रुद्रसेना ग्राम अध्यक्ष बनवारी लाल माली ने बताया कि भागवत कथा 1 सप्ताह तक आयोजित हुआ जिसमें ग्राम संयोजक विष्णु कुशवा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रुद्रसेना के समस्त पदाधिकारियों के कार्यकर्ता व ग्रामवासी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। रुद्रसेना राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री गो सेवा लक्ष्मण सिंह हिंदू ने बताया कि रुद्रसेना आए दिन हिंदू सनातन संस्कृति को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में प्रत्येक गाँव में सराहनीय कार्य करने में तत्पर रहती है, जैसे गोवंश के लिए गोवंशों को चारा खिलाना, गोवंश के लिए पानी की टंकी रखवाना, ग्राम मंडल ग्रामीण अध्यक्ष रतनलाल पहलवान, देवीलाल भंडारी, बालमुकुंद कच्छावा, देवीलाल मोतीलाल और पूरे लाल जी, सरपंच दुर्गालाल भंडारी आदि समाज सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डक चिकित्सा ब्लॉक में कल्याणपुरा के खेड़े के समीप 108 वाहन के स्टाफ ने सुरक्षित प्रसव कराया, एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। जानकारी के अनुसार बता दें कि 108 एम्बुलेंस के जरिए पार्वती बाई पति धनराज उम्र 24 साल के प्रसव के लिए डग अस्पताल लाया जा रहा था, तभी तेज प्रसव पीड़ा होने लगी तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सत्येंद्र कुमार नागर और पायलट आशीष जोशी ने सुरक्षित प्रसव कराया और डग अस्पताल लाकर भर्ती कराया। परिवारजनों ने दोनों का आभार व्यक्त किया। मंदिरपुर ग्राम पंचायत के गांव पतलाई में आज सुबह महाराणा क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित फाइनल मैच में श्यामसर 11 दुधलाई टीम हुई विजेता। सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह चौहान ने सौंपा 21,000 रुपए का नगद इनाम
और द्वितीय इनाम महाराणा क्रिकेट क्लब की कमेटी द्वारा दिया गया और खिलाड़ियों को हौसला अफजाई की। वहीं वक्ताओं ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला, जिस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह चौहान मौजूद रहे। वह साथ में कालू सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह, शंभू सिंह, कमल सिंह, प्रधान सिंह, वीरेंद्र सिंह, धीरव सिंह, पवन राठौर, गोविंद दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ, साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ, छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे, बन।